हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रकाश के ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं एमपी और हम यहाँ पर घूमने आए इटेर का किला, जो कि जंगल के बीचों बीच है। आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर कितना जंगल है, चारों साइड जंगल है और किला भी बहुत पुराना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चारों साइड जंगल ही जंगल है। जहाँ पर आपकी नज़र पड़ेगी चारों साइड जंगल ही जंगल है। ये देखिए यहाँ पर ये किला देख सकते हैं आप लोग कितना पुराना है। बहुत पुराना यहाँ पर किला है। यहाँ पर ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पर कोई होगा नहीं, तब भी गेट खुला हुआ है। तो हम अंदर चलते हैं और हमारे साथ पापा भी आए हुए हैं। पापा आए कर दो। हाँ तो चलो हम लोग ऊपर चलते हैं और अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा ये किला है, तो चलिए आपको सब दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर गाइस, जैसा कि पता चला यहाँ पर कैमरा अलाउड है बट स्टैंड यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो हम पहले यहाँ पर आधार कार्ड से एंट्री करा लेते हैं। तो पापा का आधार कार्ड हमने दे दिया और यहाँ पर भैया यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। तो पहले अपना आधार कार्ड से सब डिटेल नोट करा लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमको न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं। और भैया यहीं पर रहते हैं आप लोग? तो भैया हम तो यहाँ पर पहली बार आए, तो आप भी हम लोग को यहाँ पर किला घुमा दीजिए। तो चलिए हम लोग इन्हीं के साथ यहाँ पर किला घूमते हैं और क्या यहाँ पर नज़ारा है आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। भैया यहाँ पर कोई पुरानी मूर्तियाँ भी हैं क्या, कि बस किला है घूमने लिए? अच्छा, तो चलिए जैसा गाइस आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। और यहाँ पर किले का कुछ लिखा हुआ है डिटेल। ये पुराना इतिहास आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसे, और क्या मतलब छोड़ के गए राजा महाराजा। अच्छा, यहाँ पर सारी डिटेल लिखी है। आप यहाँ पर वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। दरवाजा क्या है ये? खूनी दरवाजा, इसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। मतलब दीपावली होती है कोई, मतलब तो खून टपकता है। खून टपकता है? हाँ। अरे भाई दीपावली की रात में, दीपावली की रात में जैसा भैया बता रहे हैं यहाँ पर खून टपकता है, ये बात रियल है? रियल है। अरे भाई ये कभी ऐसा सुना नहीं है इसके बारे में। तब भी जब भैया कह रहा है, क्योंकि यहाँ भैया रहते हैं तो हम लोग मान सकते हैं टपकता होगा। वैसे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए अंदर पेंटिंग है। अच्छा ये डिजाइने हैं, ये देखिए यहाँ पर सजाया गया डिजाइनों से। तो और अंदर चलते हैं यहाँ पर, ये है किला। बाकी का शानदार किला है, पहली बार किला घूमने आए हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर और भी लोग घूमने आए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अक्सर लोग आते रहते हैं। इसमें घोड़े बनते हैं, ये देखा। यहाँ पर घोड़े बनते हैं अभी भी के पहले ही बनते थे पहले? जैसा कि भैया बता रहे यहाँ पर पहले घोड़े बांधे जाते थे जो कि यहाँ के राजा थे उनके द्वारा। ये देखिए अंधेरा है बहुत, तो और आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं जिस पे आकृतियाँ डिजाइन करी गई हैं। ये देखिए ये भैया यहाँ पर ऐसे टूट गई होगी बिल्डिंग इसीलिए। हाँ, यहाँ पर पुरातत्व विभाग इसको देखभाल नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ की सरकार यहाँ पर किलों पे ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खंडर हो चुका है। यहाँ पर माली अंकल यहाँ पर घास काट रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से अच्छा यहाँ पर सामने मंदिर भी दिखाई देता है। भाई नीचे का नज़ारा हमको बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वो आपको सामने झंडा दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर एक मंदिर है, वो बहुत पुराना मंदिर है। किस चीज़ का मंदिर है? चौंडा माता और ये काली माता, मतलब ऐसे ही है। अच्छा, माताओं का मंदिर है। गाइस वैसे आप लोग नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। सामने डकैत फिल्म शूटिंग हुई थी।
वो सामने आपको दिख रहा है उसमें स्कूल है। वो स्कूल है हाँ। वहाँ पर डकैत मूवी यहाँ पर शूट करी गई थी। और बाकी का आप लोग को और भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, तो चलिए आगे चलते हैं। ये है बाकी का यहाँ का नज़ारा, जैसे पुराना किला होता था खंडर बन चुका है। वैसे यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर अक्सर थोड़े बहुत लोग आते रहते हैं। जैसा कि भैया ने यहाँ का इतिहास बताया है कि यहाँ से खून टपकता है। ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है सामने से। ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको किला हम घुमाएंगे दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर नया तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसी नई नई जगह पे हम लोग जाते रहेंगे। ये देखिए बाकी का नज़ारा तो बहुत ही मस्त है। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, बस स्टैंड हमारा बाहर ही जमा करा लिया गया है, आधार कार्ड से एंट्री कर ली गई है और हम लोग अंदर आ चुके हैं। बाकी का आप लोग नज़ारा देख ही सकते हैं। ये देखिए ये है यहाँ का पुराना मंडप जहाँ पर राजा महाराजाओं की शादी होती थी, आप लोग देख सकते हैं। और सपोर्ट लगा हुआ है, टूट रहा है, देखो यहाँ पर जैसे सपोर्ट लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, टूट रहा है तो टूटने दें। तो भाग इस पर देखभाल नहीं कर रहा सही। देखिए ये देखिए बाकी का ये यहाँ पर सभा थी जहाँ पर बैठक होती थी। और बाकी का आप किला देख सकते हैं। ये देखिए चारों साइड का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग घूमने भी आए हैं। भैया आप लोग कहाँ से घूमने आए हैं? अच्छा ये सब भिंड से आए हुए हैं। हम भिंड से भवानी पुरा से आए भाई साहब। अच्छा भाई पहली बार घूमने आए यहाँ पर? 5-6 बार, 15-20 बार। क्यों भाई ऐसा यहाँ पर क्या देखने के लिए जो 15-20 बार आए? खंडरी तो है यहाँ पर। ये देखिए बाकी का किला। भैया और कोई यहाँ का इतिहास कुछ और कुछ भी जगह है? अच्छा ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं और ऊपर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। डिजाइन दिखा दी। ये देखिए यहाँ के गेट की डिजाइन देख सकते हैं, गमला बना हुआ है। बाकी का ऊपर जाने का रास्ता इधर से ही है, तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा देखते हैं। शानदार नज़ारा होने वाला है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये यहाँ की सीढ़ियाँ, आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पर किले की पुरानी सुरंगें हैं जो कि राजा महाराजा यहाँ पर छिपने के लिए यूज़ करते थे अगर कोई हमला होता था तो। बाकी का आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए और ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा और देखेंगे। ये देखिए ऊपर की सीढ़ियाँ। क्या भैया यहाँ पर? अच्छा सामने आपको राजा का कमरा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा बंगला है ये, राजा का बंगला। तो चलिए और अंदर चलते हैं। ये है राजा का बंगला, उसमें कुछ लिखा भी है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शानदार नज़ारा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे ये भी किला ख़त्म होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। जितना आप देख सकते हैं बस उतना ही आप यहाँ पर दिखे ही देगा। ये देखिए आपको सामने मगरमच्छ की मूर्ति दिख रही होगी। ये देखिए डिजाइन कछुए की भी है, मगरमच्छ की भी है। मतलब किसने पानी पी लिया? हाँ अरे भाई यहाँ का इतिहास तो सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है।
यहाँ पर जैसा कि भैया बता रहे हैं, मगरमच्छ ने अगर नदी का पानी पी लिया तो ये यहाँ का राज्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये किले का ग्राउंड है, यहाँ पर मेला लगता है। ये मेला कब लगाया जाता है? ये अभी लगने वाला है, मेला अभी उसी तैयारी चल रही है। अच्छा, उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है और लगभग 24 तारीख तक यहाँ पर मेला लग जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं और यहाँ पर आगे से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर काम चल रहा है नीचे, आप लोग देख सकते हैं जेसीबी वहाँ पर चल रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है, यहीं पर मेला लगाया जाता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत शानदार है। बाकी का आप लोग यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं। सीढ़ी से ज़्यादा दीवारों पर चढ़ने पर मज़ा आ रहा है। ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही उतर रहे हैं। ये देखिए बाकी का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं कैसा ये खंडर है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका बाग है, बगिया, तो उसको भी देखते हैं कैसा क्या है। भैया यहीं कहीं आसपास चंबल नदी भी है क्या? अच्छा, तो चलिए आगे देखते हैं चंबल नदी, वहाँ पर भी जाएंगे अगर देखेंगे वहाँ क्या नज़ारा है। उसके लिए आपको स्पेशल ब्लॉग भी मिल सकता है। सामने जो ये नदी दिख रही कि वो और आ गया, पानी नदी में जा रहा हूँ। अच्छा, ये पानी उसी नदी से आ रहा है। ये आपको सामने नदी दिख रही है, वो चंबल नदी का पानी इस नदी में आता है। ये देखिए बाकी का किला, बगिया कौन सी, ये बाग है ना, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, ये बाग है किले का, इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे जाने का रास्ता। तो चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। बाकी का यहाँ पर पुराना कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, आप लोग को क्लियर कर देते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये देखिए डिजाइने यहाँ की, सालों पुराने डिजाइने यहाँ पर अभी तक भी ठीक हैं, लेकिन किले की बाकी की आप लोग हालत देख सकते हैं, डिजाइनें अंदर जैसी हैं वैसी ही हैं, कुछ इसमें ख़राबी नहीं हुई है। ये देखिए नीचे चारों साइड जंगल का एरिया है। ये देखिए पहाड़ पे किला बनाया गया है, अटेर किला नाम है ना भैया? हाँ, इस किले का नाम है अटेर किला। अगर आप लोग भी घूमना चाहते हैं तो एक बार घूम सकते हैं, बाकी का घूमने के लिए बढ़िया है किला। अगर आप लोग को पसंद है, ट्रैवलिंग में मज़ा आता है, तो आप लोग ज़रूर घूम सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है अपना इतिहास देख सकते हैं। बाकी का आप लोग नज़ारा देख ही रहे होंगे। ये देखिए, और तो भैया यहाँ कुछ खास है नहीं? और खास नहीं है, इस रूम में है, उस लंग है। अच्छा, यहाँ पर कोई मूवी वूवी की शूटिंग भी होती है क्या? अच्छा, मतलब भैया कह रहे हैं तो ज़्यादा मूवी की यहाँ की शूटिंग नहीं हुई थी, एक ही हुई थी यहाँ पर, तो ठीक है। गाइस, आपको इटेर का किला आपको पूरा दिखाया, अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर नया तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मिलते ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।